खुशखबरी, बॉलीवुड की ये खूबसूरत एक्ट्रेस बनी जुड़वां बच्चों की माँ। दे चुकी हैं कैंसर जैसी गंभीर बीमारी को मातमा। बनना किसी भी स्त्री के लिए सबसे खूबसूरत एहसास माना जाता है, और आज हम आपको बॉलीवुड की एक ऐसी अभिनेत्री के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि कैंसर जैसी गंभीर बीमारी को भी मात दे चुकी है और जिंदगी को जीने की लगन अभिनेत्री ली जा रहे के लिए खुशियाँ लेकर आई है। कैंसर से जीत हासिल करने के बाद लीरा के लिए सुरोगेसी की मदद से दो जुड़वां बेटियों को जन्म दिया है, जिसकी वजह से वो बेहद खुश हैं। बॉलीवुड में यूं तो कई हंसी चेहरे हैं, लेकिन आज हम जिस एक्ट्रेस की बात करने जा रहे हैं वो खूबसूरती के मामले में आज भी कई टॉप एक्ट्रेस को मात देती हैं। हम बात कर रहे हैं फिल्म कसूर सुर्खियाँ बटोरने वाली एक्ट्रेस लीजा रे की। लीजा इन दिनों मीडिया में खूब सुर्खियाँ बटोर रही हैं। लीजा ने सुरोगेसी जुड़वां बच्चों का जन्म दिया है, उन्हें दो बेटियां हुई हैं। लीजा ने इस बात की जानकारी खुद अपने सोशल मीडिया अकाउंट से दी है। बच्चों के साथ उनकी फोटो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं। लीजा ने अपनी बेटियों का नाम सूफी और सोलेल रखा है। आपको बता दें कि साल 2009 में लीजा कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ चुकी हैं। 2010 में स्टेम सेल ट्रांसप्लांट करवाकर उन्होंने कैंसर से जंग जीत ली थी। वही अपने मां बनने के बाद एक इंटरव्यू में लीजा ने कहा कि इन दिनों मैं एकदम अलग अनुभवों को महसूस कर रही हूं। बच्चों को दूध पिलाने से लेकर उन्हें सुलाने और घर व कामकाज में संतुलन बैठाने की पूरी कोशिश कर रही हूं। मुझे अपने पति, दोस्तों और परिवार वालों का पूरा सहयोग मिल रहा है। यह एकदम अलग किस्म का एहसास है। मैं जल्द ही अपनी बेटियों को लेकर मुंबई आने वाली हूँ। लीजा रे ने स्वीकार किया कि युवावस्था में उन्हें मां बनने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उन्होंने कहा कि मेरी जीवन में बहुत सी चीजें अनप्लान्ड हैं। जेसन के साथ शादी करने के बाद मेरे मन में मां बनने की इच्छा पैदा हुई। शुरुआत में तो मुझे भी इस बात पर विश्वास नहीं हुआ, पर धीरे धीरे मेरी इच्छा बढ़ती गई। फिलहाल मैं इस बदलाव का भरपूर मजा ले रही हूं। मैं अपनी बेटियों को मुंबई में अपने घर लाना चाहती हूं। मेरी जिंदगी में बहुत सारी चीजें अव्यवस्थित रहीं। जेसन हेडली से शादी के बाद मैंने मां बनने का बड़ा फैसला लिया। लीजा मानती हैं कि जब उन्हें साल 2009 में एक प्रकार के ब्लड कैंसर से डायग्नोज किया गया था, उस वक्त ही उन्हें यह एहसास हो गया था कि लंबे वक्त तक चलने वाली इस बीमारी की दवाइयों के चलते वे खुद कभी मां नहीं बन पाएंगी। लीजा कहती हैं, मेरी किस्मत अच्छी है कि आजकल की नई तकनीक ने मेरी उम्मीदों को बरकरार रखा और मां बनने के लिए इनका इस्तेमाल किया जा सकता है, और आज इन्हीं तकनीक की मदद से मुझे मां बनने का ये सुख प्राप्त हुआ। लीजा रे का कहना है कि मैंने बुरा वक्त देखा है, लेकिन कैंसर के दौरान कभी हताश या निराश नहीं हुई। अपनी बेटियों के भविष्य के बारे में लीजा कहती हैं, मैं अपनी बेटियों को खुली सोच वाला मजबूत इंसान बनाने की कोशिश करूंगी और उनको यह यकीन दिलाऊंगी कि जो भी उनका दिल चाहे उसे वे हर हाल में हासिल कर सकती हैं। अगली पीढ़ी को अच्छा इंसान बनाना ही बेहतर भविष्य और दुनिया के लिए सबसे अहम है। मैं अपनी बेटियों के कान में यह बात बोलने के लिए बेचैन हूं कि भविष्य महिलाओं का है।